Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 15, We Need Clean Air. हमें किसकी ज़रूरत होती है? साफ हवा की. Like food, water, cloth, home. We also need clean air. कि जैसे हम खाने के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते, कपड़ों के बिना नहीं रह सकते, घर के बिना नहीं रह सकते, उसी तरीके से हमारी लाइफ के लिए हमें क्या इम्पोर्टेंट है? एयर. क्योंकि हवा के बिना हम सांस नहीं ले सकते, और अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? कैन यू सी एयर? क्या आपने हवा को देखा है? टेल, हाउ डू यू नो द प्रेजेंस ऑफ एयर? आप बताइए, आपको कैसे पता लगता है कि यहाँ पे हवा उपलब्ध है, मतलब प्रेजेंट है हवा यहाँ पे? वी आर सराउंडेड बाय एयर. हम हवा से ढके हुए हैं, मीन्स हवा से घिरे हुए हैं हम. वी कैन नॉट सी इट. हम इसे देख नहीं सकते. वी कैन फील इट वैन इट ब्लोज. हम इसे क्या कर सकते हैं? महसूस करते हैं जब ये बहती है. द ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंग. और बहती हुई हवा क्या कहलाती है? विंड कहलाती है. अ लेयर ऑफ एयर सराउंड आर अर्थ. हमारी पृथ्वी के चारों तरफ हवा की एक परत है. दिस इज कॉल्ड एटमोस्फियर. वो क्या कहलाती है? एटमोस्फियर कहलाती है. द एटमोस्फियर इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. और ये एटमोस्फियर क्या है? हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए. क्यों? क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं. ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू लिव. अब देखो, केवल हमें ही नीड नहीं होती एयर की, जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको भी तो एयर की नीड होती है. वी नीड एयर टू ब्रीथ. और हम हवा में क्या करते हैं? सांस लेते हैं. तो हमें किस लिए नीड होती है? सांस लेने के लिए. व्हाट डज एयर कंटेन. एयर के साथ क्या क्या और होता है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज. हवा क्या है? कई गैसों का मिक्सचर होती है. इट कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. हवा में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और पानी की जो बूंदें होती हैं, वाटर वेपर, जो भाप बनता है पानी, वो भी तो हवा में रहता है. इट ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल. इसके अंदर मिट्टी के कण भी होते हैं. लुक केयरफुली एट सनलाइट कमिंग इन टू योर रूम फ्रॉम अ स्लिट ऑफ विंडो. अगर आपके कमरे में खिड़की है और सुबह सुबह या दोपहर के टाइम जब सूरज की किरणें आती हैं ना, तो खिड़की को आधा बंद और आधा खुल के देखना कि जो किरणें आएंगी ना, उसके अंदर आपको मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देंगे. यू विल सी डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग इन द एयर. वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो हवा के अंदर तैरते हुए नजर आएंगे. डिफरेंट यूजेज ऑफ एयर. हवा के अलग अलग यूज कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए. वी ऑल नीड एयर. हम सबको हवा की ज़रूरत होती है. वी यूज एयर टू ब्रीथ. हम हवा में सांस लेते हैं. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम जब सांस लेते हैं तब तो हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेके जाते हैं, बट हम जब बाहर निकालते हैं तो वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. हम हवा के बिना नहीं रह सकते, इवन फॉर अ फ्यू मिनट. कुछ मिनटों के लिए भी हम हवा के बिना नहीं रह सकते. एनिमल्स एंड प्लांट ऑल्सो नीड एयर. पौधों को और जानवरों को भी हवा की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई? जैसे अगर हम हमारे घर में खाना बनाते हैं और अगर हमारी गैस खत्म हो जाए तो हम खाना कैसे बनाएंगे? नहीं बन सकता. इसी तरीके से जो एयर होती है वो भी किस काम आती है? फोटोसिंथेसिस के. प्लांट नीड एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण. मीन्स जो पौधों को खाना बनाने का प्रोसेस होता है ना, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. तो प्लांट को भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड यूजिंग वाटर
एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधा अपना खाना बनाता है, सूरज की रोशनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पानी होता है और हवा होती है, इन सब चीज़ों से वो क्या बनता है, अपना खाना बनाता है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, और पौधे क्या करते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस मीन्स अपना खाना बनाने के लिए। फिर आता है बर्निंग। अब हमें एयर की ज़रूरत क्या होती है, बर्निंग। अगर हमें चूल्हे में आग जलानी है, बिना हवा के क्या हमारी आग जल सकती है, नहीं। एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग थिंग, चीज़ों को जलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर हेल्प इन बर्निंग थिंग, और हवा के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, आग जलती है। फिर आता है हमारा एयर पोल्यूशन। अब हमारा एयर पोल्यूशन कैसे होता है, एयर ऑल्सो कंटेन स्मोक एंड सम हार्मफुल गैसेज, हवा के अंदर धुआं भी होता है तो कुछ हानिकारक गैस भी होती हैं। हार्मफुल गैस स्मोक एंड फाइन पार्टिकल्स ऑफ एस कोल मेटल एंड टॉक्सिक केमिकल रिलीज्ड बाय फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल आर द मेन कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। अभी आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या है, क्या क्या चीज़ें दे रखी है, हार्मफुल गैस नुकसानदायक गैसें, स्मोक धुआं एंड फाइन पार्टिकल ऑफ एस। एस क्या होते हैं, जब हम चूल्हे के अंदर कोई चीज़ें जलाते हैं, लकड़ी वगैरह, तो उसकी जो कालापन सा उड़ता है ना, उसको बोलते हैं कोल, कोयला, मेटल, किसी धातु को जलाते हैं तब, और इन सब से क्या निकलता है, जो फैक्ट्री वगैरह होती है उससे टॉक्सिक केमिकल निकलते हैं, मोटरसाइकिल से जो धुआं निकलता है, जितनी भी बाइक्स वगैरह होती हैं, कार होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उन सब से जो धुआं निकलता है, ये सारे क्या है, मेन कारण है एयर पोल्यूशन, हमारी हवा को प्रदूषित करने के लिए। स्मोक एंड गैस विच मेक द एयर डर्टी आर कोल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, धुआं और गैस जो हमारी हवा को गंदे करते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है, एयर पोल्यूटेंट बोला जाता है, कि हवा को प्रदूषित करने वाले वो कारक होते हैं। स्मोक एंड गैस विच कम आउट ऑफ द एग्जास्ट ऑफ व्हीकल्स एंड चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज पोल्यूट द एयर। अब धुआं कहाँ कहाँ से निकलता है, व्हीकल से, कुछ एक व्हीकल ऐसे होते हैं ना बहुत ज़्यादा धुआं फैलाते हुए चलते हैं, फिर फैक्ट्रियों के अंदर जो चिमनीज लगी होती हैं उनसे भी धुआं निकलता है, वो चिमनी बहुत ऊपर होती हैं, बट वो जो स्मोक निकलता है वो हवा के अंदर तो मिक्स होता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हवा में मिक्स होकर उसे क्या करती हैं, पोल्यूट, गंदा कर देती हैं। फ्यूल लाइक कैरोसिन, अगर हम मिट्टी का तेल जलाते हैं, कोल, कोयला, डीजल एंड पेट्रोल प्रोड्यूस स्मोक व्हेन बर्न, जब ये जलते हैं ना, मिट्टी का तेल, कोयला, डीजल, पेट्रोल जब जलते हैं, तो इनको जब ईंधन के रूप में जलाते हैं तो इनसे क्या निकलता है, एक धुआं निकलता है, दिस पोल्यूट्स द एयर, ये भी हवा को क्या करता है, प्रदूषित करता है। एयर इज ऑल्सो पोल्यूटेड बाय द स्मोक ऑफ सिगरेट, हमारी हवा सिगरेट के धुएं से भी तो गंदी होती है। हार्मफुल गैस रिलीज बाय स्प्रे कैंस, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर कोल्ड एरोसोल्स ऑल्सो कोज एयर पोल्यूशन। अब बहुत सारी हार्मफुल गैसें होती हैं जो कहाँ से निकलती हैं, जब हम आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हैं, एकदम से नाइट्रोजन गैस निकलती है उसके अंदर खोलते ही, रेफ्रिजरेटर वगैरह में से निकलती है, एयर कंडीशनर से, जो ये गैसें निकलती हैं ना, ये हमारे एयर पोल्यूशन का कारण बनती हैं। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। अब ये जो हमारी हवा प्रदूषित हो चुकी है, इसकी वजह से प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं हमसे, पोल्यूटेड एयर हैज बैड इफेक्ट ऑन आर हेल्थ, हमारी हेल्थ के ऊपर इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। पोल्यूटेड एयर कंटेंट्स मैनी हार्मफुल गैसेज, जो प्रदूषित हवा होती है उसके अंदर से हार्मफुल गैस निकलती है, दीज गैस कोज डिजीज लाइक अस्थमा एंड लंग कैंसर, और इन गैसों के कारण क्या होता है, अस्थमा और लंग कैंसर होता है। पोल्यूटेड एयर में कंटेन जर्म्स टू, प्रदूषित हवा के अंदर जर्म्स कीटाणु भी होते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन जर्म्स, जब हम इन कीटाणुओं में, जर्म्स में सांस लेते हैं, वी मे फॉल इल, तो हम बीमार पड़ जाते हैं।
इट कैन ऑल्सो डैमेज द आइज एंड द स्किन ऑफ पीपल लिविंग इन द रीजन, कि इससे क्या होता है, हमारी आंखें भी डैमेज होती हैं एंड द स्किन ऑफ पीपल, लोगों की चमड़ी भी जो स्किन होती है वो भी ख़राब होती है इस क्षेत्र में जो रहते हैं, कि जहाँ जहाँ पर हवा ज़्यादा प्रदूषित होती है ना, वहाँ पे लोगों की आँखों पे और चमड़ी पे भी बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। इफ पीपल आर एक्सपोज टू पोल्यूटेड एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर कोई भी लोग गंदी हवा में पोल्यूटेड एयर वाली जगह में ज़्यादा समय तक रहते हैं, देयर हार्ट एंड किडनी कैन ऑल्सो गेट इफेक्टेड, तो उनकी किडनी और जो हार्ट होता है वो भी अफेक्ट होता है, उसे प्रभावित होता है। एयर पोल्यूशन ऑल्सो हार्म प्लांट एंड ट्रीज, और जो हमारी एयर पोल्यूशन है, हवा प्रदूषित हवा है ना, वो हमारे पेड़ और पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है। अब आता है कीपिंग एयर क्लीन, हमारी हवा को साफ कैसे रखा जाए। वी मस्ट कीप द एयर क्लीन, हमें हवा को साफ रखना चाहिए। वी कैन कीप द एयर क्लीन इन मैनी वेज, हम अलग अलग तरीके होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं जिससे हवा को साफ रख सकते हैं। आस्क योर एल्डर टू गेट देयर मोटर व्हीकल चेक्ड फ्रीक्वेंटली टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज, सबसे पहले तो आपके घर में जो आपसे बड़े हैं वो व्हीकल चलाते हैं, तो आप उनसे कहिए कि आप अपने व्हीकल को समय समय पर चेक करवाएं, और इसके अंदर जो धुआं निकलने वाली मशीनें हैं उनसे चेक करवाएं। अगर ज़्यादा धुआं देता है आपका व्हीकल तो उसे कंट्रोल करें। दूसरा है यूज इको फ्रेंडली फ्यूल लाइक सीएनजी, अगर हम ईंधन ना जला के सीएनजी को जलाएं, पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी का यूज़ करें, विच डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, जिसके कारण धुआं नहीं निकलता है। थर्ड नंबर है यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बसेज, मेट्रोज एंड लोकल ट्रेन इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर प्राइवेट व्हीकल, आप अपनी कार बाइक को ले जाने की बजाय अगर जहाँ जहाँ पर आप बस से, मेट्रो से या लोकल ट्रेन से जा सकते हो वहाँ पर इन व्हीकल का यूज कीजिए, अपने पर्सनल व्हीकल का यूज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको यूज करोगे तो क्या होगा, पेट्रोल या डीजल जलेगा और धुआं निकलेगा। यूज कारपूल, कारपूल का यूज कीजिए। अवॉइड बर्निंग वुड लीव्स और गार्बेज, ना तो आप लकड़ियाँ जलाइए, ना पत्तियाँ जलाइए, और ना ही कचरे को जलाइए। अवॉइड बर्निंग क्रैकर्स, पटाखे जलाने को भी अवॉइड कीजिए। प्लांट मोर ट्रीज एज दे क्लीन द एयर, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए जिससे हवा साफ हो सके। थ्रो गार्बेज इन कवर डस्टबिन एंड नॉट इन ओपन, अगर हमें कचरा फेंकना है तो ढके हुए डस्टबिन में फेंकिए, खुले के अंदर कचरे को मत फेंकिए। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, टेक द करेक्ट आंसर, बी ब्रीथ इन, हम जब सांस लेते हैं तो किस में लेते हैं, ऑक्सीजन से। दिस इज एन एयर पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट क्या होता है, स्मोक, धुआं। फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड, फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे को किसकी नीड होती है, कौन सी गैस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोड्यूस एरोसॉल्स, क्या, बोथ ऑफ दीज, स्प्रे कैन भी और रेफ्रिजरेटर भी। नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, हमारी अर्थ के चारों तरफ जो हवा की लेयर है वो क्या कहलाती है, एटमोस्फियर कहलाती है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, हवा किसका मिक्सचर है, बहुत सारी गैसों का। वी मस्ट कीप एयर क्लीन, हमें हवा को कैसा रखना चाहिए, साफ। एयर पोल्यूशन मे कॉज अस्थमा, एयर पोल्यूशन किसका कारण हो सकता है, अस्थमा का। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर हेल्प इन बर्निंग थिंग्स, और हमारी एयर के अंदर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो किस में हेल्प करती है, चीज़ों को जलाने में। नेक्स्ट आता है राइट ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग लिखने आपको, वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को नहीं देख सकते, ट्रू। स्मोक एंड हार्मफुल गैस मेक एयर क्लीन, धुआं और गंदी गैसें हमारी हवा को साफ करती हैं, फॉल्स, गंदा करती हैं वो तो। एयर पोल्यूशन हैज बैड इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, एयर पोल्यूशन से हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है, ट्रू। वी शुड यूज कारपूल, ट्रू। नेक्स्ट आते हैं आपके
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पहला है व्हाट इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है? द लेयर ऑफ एयर सराउंड्स आवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हमारी अर्थ के चारों तरफ हवा की जो लेयर है ना वो एटमॉस्फेयर कहलाती है. व्हाट डज एयर कंटेन. हमारी हवा में क्या क्या होता है? द एयर कंटेन्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के मुख्य कारण क्या है? द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन आर हार्मफुल गैसेस स्मोक एंड टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज्ड बाय फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स. की मेन कॉज क्या है पोल्यूशन के? हानिकारक गैसें धुआं और कंपनियों से जो निकलने वाला टॉक्सिक केमिकल है ये सारे क्या करते हैं हमारी हवा को गंदा करते हैं. नेक्स्ट है हाउ इज एयर पोल्यूशन हार्मफुल फॉर अस. एयर पोल्यूशन हमारे लिए हानिकारक कैसे है? पोल्यूटेड एयर जो प्रदूषित हवा होती है कंटेन मैनी हार्मफुल गैसेज. उसके अंदर कई हानिकारक गैसें होती हैं. दीज गैसेज कोज डिजीज लाइक अस्थमा एंड लंग कैंसर. और यही बीमारियां ये जो गैसें होती हैं बीमारियों का कारण बनती है. कौन सी बीमारियों की? अस्थमा और लंग कैंसर की. राइट एनी टू वेज टू कीप द एयर क्लीन. दो तरीके लिखिए जिससे हम हवा को साफ रख सकते हैं. अवॉइडिंग बर्निंग वुड लीव्स और गार्बेज. आप लकड़ियों को पत्तियों को और कचरे को जलाना छोड़िए. प्लांटिंग मोर ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए. नेक्स्ट आता है आपका हाउ डज केयरफुल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस एयर पोल्यूशन. केयरफुल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस एयर पोल्यूशन बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक और टॉक्सिक केमिकल. क्योंकि बिजली से ना तो टॉक्सिक केमिकल निकलता है और ना ही स्मोक निकलता है. ये है आपका चैप्टर नंबर 15. प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें और कमेंट करें. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.